12 साल की खून से लथपथ एक लड़की मदद मांग रही है, मगर उज्जैन में रहने वाले इंसान की इंसानियत शायद मर ही चुकी थी। बच्ची दर दर भटक रही थी, फिर भी धर्म नगरी में बच्ची को कपड़ा पहनाने वाला आखिर कोई क्यों नहीं था। बात 24 सितंबर 2023 दिन रविवार की थी। मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट के कोतवाड़ा गांव में यह बच्ची रहा करती थी। संडे के दिन सरकार द्वारा एक स्कॉलरशिप एग्जाम का आयोजन किया गया था। इस दिन शहर की बहुत सारी लड़की इस एग्जाम को शहर के अलग अलग सेंटर पर एग्जाम को देने गए थे और इस लड़की का एग्जाम सेंटर भी अपने गांव से कई किलोमीटर दूर थी। हालांकि ये लड़की अपने गांव से अकेली नहीं थी, बल्कि 8 और ऐसी लड़कियां और थी जो स्कॉलरशिप एग्जाम को देने वाली थी। ये सारी लड़की अपने गाँव से एक ऑटो बुक करके एग्जाम सेंटर पहुँच जाते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर पहुँचने पर पता चलता है कि इस लड़की का रोल नंबर ही नहीं है इस सेंटर पर। बाकी की सारी लड़कियां एग्जाम देने लगती है। अब इस लड़की का एग्जाम इस सेंटर पर होती नहीं है और ये लड़की सेंटर के अंदर भी नहीं जाती है। उसके बाद ये लड़की का कोई अता पता नहीं, पूरी तरह ये लड़की गायब हो जाती है। आमतौर पर ये लड़की दूसरे दिनों पर 4:30 बजे तक अपने घर लौट आती थी। उनकी गाँव की सारी लड़कियां एग्जाम को देकर घर वापस आ चुकी थी और शाम भी हो गई थी। अब इस बच्ची के घर वालों को फिक्र सताने लगी। घर वाले अपने गांव में इधर उधर जाकर पूछने लगते हैं, पर उसका कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है तो पर भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। अगले दिन यानी मंडे को भी लड़की अपने घर वापस नहीं लौटती है। उधर सतना के गांव से करीब 756 किलोमीटर दूर उज्जैन में सुबह 10 बजे के आसपास एक उज्जैन के पुजारी उज्जैन के महाकाल स्टेशन को फोन करते हैं और कहते हैं कि आश्रम के दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची है जो जख्मी हालत पर पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत आश्रम पहुँचती है और देखती है तो वास्तव में ये लड़की जख्मी है और उनके शरीर से खून भी रिस रहा है। फौरन उस लड़की को पुलिस अस्पताल ले आती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उनका हालत बहुत गंभीर है। इनके प्राइवेट पार्ट और बाकी जगह बहुत चोटें हैं, खून काफी बह चुका है। अब लड़की को वहाँ से इंदौर रेफर कर दिया जाता है। इस दौरान लड़की थोड़ा होश में ही थी, लेकिन यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए और पुलिस का देखने का नजरिया को देखिए। जब आश्रम के पुजारी पुलिस को फोन करके ये रिपोर्ट लिखवाई थी तो पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा था कि एक लड़की जो इधर उधर मांग कर खाना खाती थी, यानी कि एक तरह का भिखारी, यह इस जगह पर पड़ी मिली है और उसको उठाकर अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा विचार कीजिए, जिस वक्त यह लड़की पुलिस को मिली थी तो इस लड़की के कमर के ऊपर एक कपड़ा भी था जिसको कोई भी देखकर पहचान सकता था कि यह एक स्कूल ड्रेस है, लेकिन पुलिस की नजर उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अगर पुलिस चाहती तो लड़की के स्कूल ड्रेस के जरिए उसके स्कूल तक के पता लगाकर उसके परिवार वालों तक पहुँचा जा सकता था। अब लड़की ने अपना बयान दिया। उसने कहा कि जब मैं रात को स्टेशन से बाहर आई और बाहर में रखी कई ऑटो वालों से मदद मांगी, पर कोई मदद करने वाला नहीं था, लेकिन धोखे से एक ऑटो वालों ने मुझे ले गया और मुझ पर बहुत गंदा काम किया। मैं बहुत रोई चिल्लाई पर वह छोड़ा नहीं। जब मेरी बदन से खून रिसने लगा तब वह मुझे छोड़कर वहाँ से चला गया। ये बात करीब सुबह 4 बजे की थी। उसने कहा सुबह करीब 9 बजे मैं वहाँ से निकला और मेरे लिए यह एक अनजान सा शहर था और ना तो मेरे कमर के नीचे कुछ कपड़ा भी था। मैं लोगों को मदद मांगते हुए आगे चलती गई, लेकिन मेरा मदद करने वाला कोई नहीं था। सब मुझे देखकर मुंह अपना फेर लेते थे और साइड से निकल जाते थे। मैं कई घर के दरवाजे भी खटखटाई पर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं निकला। अगर निकलता तो पर भी कोई मुझे देखकर वापस अपना गेट बंद कर लेता। मैं ऐसे ही मदद मांगते मांगते एक आश्रम पहुंच जाती हूं और उस जगह पर बेहोश होकर गिर जाती हूं। उसके बाद उस आश्रम के पुजारी ने उसे देखा तो उसे सबसे पहले उठाया, पानी पिलाया और खाना खिलाया। उसके बाद पुलिस को जानकारी दे दिया। लड़की घटना स्थल से करीब 8 किलोमीटर आ गई थी। पुलिस अपने टीम के साथ आती है और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर ने उन्हें देखा तो उनका हालत बहुत गंभीर था। उसके बाद तुरंत उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। वहां उनका इलाज चला और लड़की खतरे से बाहर हो गई। अगले दिन यानी ट्यूजडे को जब अखबार में ये खबर छपती है जिसमें लड़की का फोटो को ब्लर करके छापा गया था, जब घर वालों तक यह अखबार पहुँचती है तो ये परिवार वालों के लोग तुरंत अखबार को लेकर सामने के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस भी तुरंत अलर्ट हो जाती है और लगभग 24 घंटे के बाद अपराधी को पकड़ लेते हैं, जिसका नाम भरत सोनी था। पुलिस इनके साथ देने वाले आरोपी को भी गिरफ्त में ले लिया था। तो आपको इस घटना पर क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।